आज की इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिस चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 है। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ा चुका हूँ, उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें लोग किस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, किस्त पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। किस्त पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 8400 रुपए की एक धनराशि उधार ली गई, इसे दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है जो वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, 2 से 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जो सबसे फास्ट है, ठीक है, और ट्रिक भी कह लेंगे हम लोग। क्या करें, इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया, दर दी गई कितने परसेंट है, 10% वार्षिक है। तो आप यहाँ पे दर आप लिख लिए 10%, ये वार्षिक है। आप इसको ऐसे लिख सकते क्या, परसेंटेज हटाएंगे बटा कितना दे देगा, 100 दे, परसेंटेज हटाएंगे बटा कितना दे देगा, 100 दे देगा। ये 0 0 कट गया, यानी कितना बच गया, 1/10। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। 10% को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अब इसके बाद क्या करना आपको, इन दोनों को क्या करें, आप जोड़िए। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर कितना मिल जाएगा, 11 मिले, और नीचे वाला आपका यही है, ठीक। अब आपको करना क्या, ऑप्शन से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहा है। जो ऑप्शन 11 से डिवाइड होगा वही आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी प्रत्येक किस्त का मान आपको पता चल जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अब इसको देखिए क्या 11 से ये कट जाए क्या, अगर आप इससे भाग दे 11 से तो 11 चौके 44 हो गया, चाहे इधर गया 11 चौके 44, मैं देख रहा हूँ 11 से पूरा कट जाएगा, यानी पहला ऑप्शन का क्या जाएगा, सही हो जाएगा। यही तो मैंने आपको बताया। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना, आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड हो जाए। तो मैं देख रहा हूँ पहला ही ऑप्शन क्या हो जाए, 11 से डिवाइड, अगर आप इसको चेक करें तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 11 से नहीं कटेगा और ना ही ये ऑप्शन कटेगा, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन कटेगा, पहला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड। अगर मान लीजिए ऑप्शन में 2 ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन में ऐसे 2 ऑप्शन हो जाए कि जो 11 से कटे, ठीक है, 2 ऑप्शन हो जाए जो 11 से कटे, तो क्या करेंगे आप, करना क्या आपका, इसका स्क्वायर करके पता करना है। इसका क्या करें आप, स्क्वायर करके तब पता करेंगे, इसके स्क्वायर से देखिए कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, जो इसके स्क्वायर से ऑप्शन डिवाइड होगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कब ये कंडीशन अप्लाई होगी, जब 2 ऑप्शन आएंगे, यानी 2 ऑप्शन जब 11 से डिवाइड होंगे तब आप इस चीज को फॉलो करेंगे, इसका स्क्वायर करके फिर आप चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसके स्क्वायर से डिवाइड होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, ठीक है, इसके स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। अगर मान ली कोई और ऑप्शन रहता है तो क्या करते, तब स्क्वायर करके चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 5040 रुपए 10% वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए गए, उन्हें 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस कर दिया गया, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है थी, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी, इसमें आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, जो ऊपर मैंने आपको तरीका बताया सेम उसी तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। आपसे प्रश्न क्या पूछा, प्रत्येक किस्त का मान पूछा। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, सबसे पहले यहाँ पे जो दर दी गई आप इसको यहाँ पे लिखिए, और 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 होगा कि नहीं, 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10 है, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 दे देगा, तो कितना मिल जाएगा, 1/10। अब इसके बाद क्या मैंने आपको बताया, इन दोनों क्या करें आपस में जोड़ लीजिए, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल गया, 11 मिल गया, और नीचे वाला आपका यही रहेगा, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा ऑप्शन जो 11 से डिवाइड हो रहा है, जो ऑप्शन 11 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी प्रत्येक किस्त का मान आपको पता चल जाएगा। देखिए ये 11 से कटे क्या, मैं देख रहा हूँ जो 3000 है ये 11 से नहीं कटे, पहला ऑप्शन क्या गया, रिजेक्ट। अगर इसको चेक करें तो ये देखिए 11 से कट जाएगा, ये जो 11 से पूरा कट जाएगा, यानी ये इसका आंसर हो सकता है। इसके बाद आप ये चेक करिए क्या कोई ऑप्शन और 11 से कट रहा है क्या, तो मैं देख रहा हूँ कोई ऑप्शन 11 से नहीं कट रहा, ये भी 11 से नहीं कट रहा और ये भी 11 से नहीं कट रहा, तो बी ही ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर मान ली कोई और ऑप्शन 11 से डिवाइड है तो हम क्या करते, इसका स्क्वायर करके तब पता करते कि इसके स्क्वायर से कौन सा ऑप्शन डिवाइड होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
कब ये फॉलो करेंगे, जब दो ऑप्शन 11 से डिवाइड होंगे तब आप इस चीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में वापस करने थे तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, यानी प्रश्न आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक किस्त का मान आपसे पूछा गया। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए रेट कितनी दी गई, 4% दी गई। 4% को क्या लिख सकते हैं आप, परसेंटेज हटाएंगे बटा कितना दे देगा, 100 दे देगा। इसको यहां से डिवाइड करके कितना मिल जाएगा, 1/25 मिल जाएगा। यानी 4% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/25 आप लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। इसके बाद मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, इन दोनों को जोड़िए, क्या करना आपको जोड़ना है, अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा और नीचे आपका यही। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 26 से डिवाइड हो रहा है। जो ऑप्शन 26 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी प्रत्येक किस्त का मान आपको पता चल जाएगा। तो पहला ऑप्शन लेके चेक करते हैं, देखिए क्या 26 से पूरा पूरा कटेगा, अगर यहाँ पे चेक करिए 13 ये 50, 13 और ये कितना, ये 50 और 26 से भाग दे, देखिए 13 से ये भी कट, ये 13 से कटेगा लेकिन 13 से ये नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन ये क्या हो गया, रिजेक्ट है, यानी 26 से ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। सेकंड ऑप्शन लेके चेक करते हैं बी वाला, कितना ये 13/52, इसको क्या करना कार्ड की चेक करते क्या 26 से पूरा पूरा कट है क्या, देखिए 13 से ये भी कटेगा 13 से भी कटेगा, 13 दुना कितना 26 हो गया और इसको डिवाइड कर 13 कम 13 हो गया और 13 चौक कितना हो गया 52 और इसको यहां से डिवाइड कर दो 2 5 10 और 2 2 4। मैं देख रहा हूं ये जो ऑप्शन बी वाला है 26 से क्या हो जाएगा पूरा पूरा डिवाइड, तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी ऑप्शन का सही। इसको चेक करिए, देखिए 26 से ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा और ये भी देखिए 26 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो कौन सा सही जाएगा, यानी बी ऑप्शन का क्या जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, यदि प्रत्येक वार्षिक किस्त 1210 रुपए की हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो उधार लिया गया धन कितना है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, अब इस बार देखिए क्या पूछा आपसे, प्रत्येक किस्त का मान दे दिया और पूछा कि आपसे मूलधन आपसे पूछा गया, यानी कितना धन उधार लिया गया। ठीक है, तो सेम हम क्या करेंगे, ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो ऊपर मैंने प्रोसेस बताया सेम उसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इस बार आपसे क्या पूछेगा, मूलधन आपसे पूछेगा। और देखिए दर कितनी दी गई, 10%, और 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10 होगा। 10% का मतलब कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे बटा कितना, 100 हो गया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/10। अब देखिए इसमें क्या पूछा आपसे, मूलधन पूछा है ना, तो इसमें क्या करना आपको, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, यहां से क्या करें, इनको एड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 11/10 कितना मिल जाएगा आपको, 10 आपको मिलेगा। लेकिन ये देखिए मूलधन पूछा और कितने साल पहले की बात हो रही है, 2 साल पहले की बात हो रही है, कितने साल पहले की बात हो रही है, 2 साल पहले की बात हो रही है। तो करना है कि एक बार आपने इसको कर लिया और एक बार क्या करना आपको, इसको और जोड़िए, इसको क्या करना आपको, एक बार और जोड़िए। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, 21/10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 2 बार कब इसको जोड़ेंगे, जब मूलधन आपसे पूछा जाएगा तब आप क्या करें, आप इसको 2 बार आप जोड़ेंगे, यानी एक बार मैंने यहाँ पे जोड़ लिया और एक बार यहाँ पे जोड़ लिया। अगर मूलधन पूछा जाएगा तो आप इसको क्या करेंगे, 2 बार आप जोड़ेंगे, नहीं तो अगर प्रत्येक किस्त का मान पूछे तो आप क्या करें, सिर्फ 1 बार आपको जोड़ना है, जो पीछे मैंने आपको तरीका बताया। अब देखिए क्या करना है कि मूलधन पूछा तो मैंने इसको कितनी बार जोड़ लिया, 1 बार यहाँ पे जोड़ लिया और 1 बार यहाँ पे जोड़ लिया, 2 बार मैंने इसको जोड़ लिया। ठीक है, 2 वर्ष का ही तो पूछा है, अगर 3 वर्ष का पूछे तो मैं क्या करती, इसको तब 1 बार और जोड़ती है। ठीक है, लेकिन 2 वर्ष का पूछे तो हम इसको कितनी बार जोड़ेंगे, 2 बार जोड़े। अब आपको ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन 21 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो 21 से पूरा पूरा कट जाएगा। जो ऑप्शन 21 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मूलधन आ जाएगा। देखिए क्या 2021 से कटेगा, ये ऑप्शन आपका नहीं कटेगा, ये भी देखिए 21 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ये देखिए ऑप्शन कट जाएगा, यानी जो सी ऑप्शन है ये 21 से पूरा पूरा कट जाएगा, सी ऑप्शन जो 21 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी आप बता सकते हैं कि मूलधन कितना है, 21,000 रुपये, मूलधन कितना है, सॉरी 2100 रुपये, मूलधन कितना है, 2100 रुपये, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, सी ऑप्शन का क्या हो जाए, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिसमें मूलधन पूछा गया है। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उधार ली गई कोई राशि 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई
उधार ली गई राशि कितनी थी, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, मूलधन आपसे पूछा गया, और प्रत्येक इसका मान आपको दे दिए। तो जो पीछे मैंने तरीका बताया आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, सेम वही तरीका इसमें भी मतलब फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो दर दी गई आप इसको यहाँ पे लिखिए 5%। 5% को क्या कर सकते हैं, 5% को 1/20 लिख सकते नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसे कर सकते हैं 5/1 कितना, इसको यहाँ से डिवाइड करिए कितना मिल जाएगा 1/20। तो 5% को क्या कर सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए मूलधन आपसे पूछा गया, मूलधन पूछा गया और कितने साल पहले, 2 साल पहले। तो क्या तरीका मैंने आपको बताया था, इन दोनों को जोड़िए कितना मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 21 मिल, 21 बटे कितना मिल गया 20 मिल गया। लेकिन 2 साल पहले का मूलधन आपसे पूछे, इसको क्या करना, 2 बार जोड़ना, एक बार आपने जोड़ लिया और एक बार क्या करना आपको, एक बार और जोड़ना, इन दोनों को जोड़िए कितना मिल जाएगा 41 मिल जाएगा। अब आपको ये चेक करना कि 41 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, 41 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। जो ऑप्शन 41 से डिवाइड हो जाएगा वही आंसर आपको क्या जाएगा, यानी वही ऑप्शन आपको क्या जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, यानी मूलधन आपको पता चल जाएगा। तो पहला ऑप्शन लेके चेक करते हैं, आपको ये चेक करना कि देखिए क्या 41 से पूरा पूरा कट जा रहा है क्या, जो 1640 आपको यही चेक करना कि 41 से पूरा पूरा कट जाएगा, चेक करते हैं। अगर मैं देखिए इसमें भाग दे दूं कितनी बार में ये कट जाएगा, मुझे लगता है ये 40 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अगर इसमें 4 से गुणा कर देखिए ये मिले क्या 164 मिले क्या, तो गुणा करके चेक करते हैं, 4 × 4 हो गया और 4 × 4 16 हो गए, मतलब ये इससे कितनी बार में कट जाएगा, 40 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा और 0 आपका बच जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा वो राशि है, कौन सी वो राशि है, 1640 रुपए है, ठीक है। तो देखिए इसका कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं तो मैं देखो इससे भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा और ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर कोई ऑप्शन पूरा पूरा और डिवाइड होगा तो मैंने क्या तरीका आपको बताया, मान लीजिए अगर कोई ऑप्शन और 41 से पूरा पूरा कट गया तो इसके मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, 41 का स्क्वायर करके फिर आपको चेक करना कि कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा, जो ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वही आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाए, क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कुछ राशि 2 वार्षिक किस्तों में 17,640 रुपए प्रति किस्त के अनुसार चुकाई गई, मूल राशि कितनी थी, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है, यानी इसमें आपसे क्या पूछा गया, मूलधन आपसे पूछा गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, इस तरह के 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया जिनमें प्रत्येक किस्त का मान दे दिया और पूछा गया आपसे, मूलधन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों मैंने आपको करा दिया, सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, सेम किसकी तरह सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सॉल्व हुआ। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना रहा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना आपको, सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में जाके पिन कर दूंगा, तो आप सॉल्व करने के बाद अपना आंसर मिला सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराना पार्ट 2 में भूल गया था, ठीक है, पार्ट 2 में मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया, तो मैं क्या करूं आपको पार्ट 3 में सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, जबकि इसे मुझे बताना किसमें चाहिए था, पार्ट 2 में बताना चाहिए था, लेकिन वहां पे मैंने आपको नहीं बताया, पार्ट 3 में करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 4,818 रुपए तथा 6 वर्षों के पश्चात 7,227 रुपए हो जाती है, वह धनराशि कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है, यानी आपसे क्या पूछा गया, मूलधन आपसे पूछा गया। 3 वर्षों में इतना हो जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, तो ये क्या है, मिश्रधन है, और ये 6 वर्षों में इतना हो, ये भी क्या है, मिश्रधन, यानी ये भी मिश्रधन है और ये भी मिश्रधन, तो ये हम लोग मान लें ये फर्स्ट मिश्रधन है और ये कौन सा, ये सेकंड मिश्रधन। तो पूछा कि आपसे मूलधन आपसे पूछा गया, तो मूलधन पता करने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप यहां से करिए क्या, मूलधन पता करने के, मूलधन पता करने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूं, आपको करने के जो पहला वाला ये मिश्रधन है इसको क्या करिए, आप 2 बार आप लिख लिए, पहले वाले मिश्रधन को क्या करना है आपको, 2 बार आपको लिखना, और सेकंड वाले मिश्रधन से क्या करिए, भाग दे दीजिए, सेकंड वाले मिश्रधन से क्या करना, भाग दे दीजिए, अब इसमें रख के सॉल्व कर लिया आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी मूलधन आपको पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4,848 हो गए गुणे 4,818 बटे कितना हो जाएगा, ये 7,227। आप करना है कि आपको इन सभी का कैलकुलेशन करो, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इन सभी का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा,
3212 मिलेगा, यानी 3212 रुपये आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 3212 रुपये मिल जाएगा, यानी मूलधन आपको पता चले कितना है, 3212 रुपये। ठीक है, तो देखिए कौन सा उसका मैच करा, 3212 रुपये, सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आपको फिर से दिखा दे रहा हूं, जो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 6। आप इस क्वेश्चन को एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन है सेम किसकी तरह लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह लगेगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।